नमस्कार दोस्तों, आप लोग जानते हैं मैं डॉक्टर रावत चौधरी, जोधपुर से एक होम्योपैथिक डॉक्टर और यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर मेरा होम्योपैथिक क्लिनिक है। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी हम लोगों ने सक्सेस स्टोरी शेयर की है, बहुत सारी फेसबुक पे भी लाइव स्टोरी शेयर की है कि अलग अलग बीमारियों में जब कोई पेशेंट ठीक होते हैं तो उनके साथ में जब पेशेंट खुद आपके साथ में अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम थी, कोई सर्जिकल केस था जैसे यूट्रस फाइब्रॉइड है या कई बार ब्रेस्ट के फाइब्रोएडेनोमा है, कई बार जो होता है किडनी स्टोन्स है, वो बहुत से आप लोग जानते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से जो है बिना सर्जरी के भी जो है बहुत से केसेज है जहाँ किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी, यूरेटर में कोई स्टोन है तो वो भी निकलता है। तो इसी तरह के कुछ केसेस होते हैं जो आप लोगों के साथ में बीच बीच में शेयर करते रहते हैं, जिसका मकसद ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के मैसेज आए और एक कॉन्फिडेंस मिल सके कि अगर आप लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप भी जहां भी रहते हैं अपने नजदीक में अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर साहब से मिलें, उनके गाइडेंस में प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके और आप भी इस तरह के रिजल्ट्स पा सकते हैं जिससे बहुत सी कंडीशन में आपको सर्जरी से भी आप बच सकते हैं। आज मैं आपके साथ में एक केस लेके आया हूं और इनफैक्ट मेरे साथ में है राम रतन जी जो बेसिकली पिपाड़ से हैं एंड वो एक स्टूडेंट है जोधपुर में रहके स्टडी कर रहे हैं और मेरे पास ये आप आए थे 5 अप्रैल को, यानी आज से लगभग एक महीना पहले आए थे। और जब राम रतन जी मेरे पास आए थे तो इन्होंने बताया कि 2 साल पहले भी इनको किडनी स्टोन यानी गुर्दे में पथरी थी और उसके लिए आप पहले ऑपरेट करवाया था, लगभग 2 साल पहले ऑपरेट हुए थे। तो 2 साल पहले इन्होंने किडनी स्टोन के लिए ऑपरेशन करवाया था और जस्ट आप मान सकते हैं कि 22 ईयर्स ओल्ड यानी 22 साल की एज में है मैं भी, तो 20 साल की एज में पहले ऑपरेशन करवा चुके थे और अभी वापिस इनको कुछ बॉडी के अंदर ऐसा पेन डिस्कम्फर्ट हुआ कि जिसकी वजह से इन्होंने वापस सोनोग्राफी करवाई। आपको क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण आए थे जब आपने वापस कोई सोनोग्राफी वगैरह करवाया? अभी लेफ्ट साइड में हल्का सा पेन हो रहा था जी, तो ये पेन कहाँ पर था आपको? लेफ्ट साइड में, बैक साइड। फ्रेंड्स, ये सिम्टम्स हैं जो खुद राम रतन जी से ही हम लोग सुनेंगे जिससे आप लोग भी समझ सकेंगे अगर किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी है तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। आप जैसे लेफ्ट साइड का सिम्टम बता रहे हैं तो लेफ्ट साइड में पेन क्यों आया उसको मैं आपको आगे बताऊंगा कारण। हाँ राम रतन जी, आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे पेन आया, और कोई सिम्टम आया? और कुछ नहीं आया, लेफ्ट साइड में पेन हुआ था, वो पेन 1 घंटा 2 घंटा बना रहा था। ओके, उसके बाद वो बंद हो गया था जी, तो मैंने फिर वापस से करवाई सीटी स्कैन और सोनोग्राफी दोनों करवाई। ओके, ताकि वो पता रहे कि क्या सिचुएशन, क्योंकि मैं एक बार ऑपरेट करा चुका था तो रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, मुझे पता था ये दिक्कत तो मुझे यही है जी, तो मैंने वापस चेक करवाया जी। तो आपने जैसा बताया कि आपको लेफ्ट साइड के अंदर पेन उठा यहाँ पे थोड़ा कमर में पीछे की एरिया की तरफ, तो पहले क्योंकि इनको किडनी स्टोन हो रखा था तो इनको आइडिया था कि अगर इस तरह का वापस पेन आया है तो ये किडनी स्टोन जो है हो सकता है, इसके कारण जैसे इन्होंने बताया कि आपने सीटी भी करवाया और सोनोग्राफी वगैरह भी कराया। और इनको लेफ्ट साइड में पेन होने का कारण मैं बताऊं कि आपको यूरेटर के अंदर जो हमने इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट्स कराई थी और उस रिपोर्ट को जो है मैं आपके साथ अभी शेयर करूं तो इसमें 9.5 mm का मिड यूरेटर के अंदर एक स्टोन आया हुआ है और उसके अंदर हाइड्रो यूरेट्रो नेफ्रोसिस भी यहाँ बता रखा है। तो ये जो था इस स्टोन के कारण प्लस दोनों किडनीज के अंदर ही राइट और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ ही, हालांकि और भी बहुत सारे जो है इनको मल्टीपल कैलकुलस यानी काफी सारी पथरियां थी लेकिन जो लेफ्ट यूरेटर था उसमें बीच में आप कह सकते हैं यूरेटर एक पेशाब की नली होती है जो किडनी से नीचे यूरिनरी ब्लैडर पेशाब की थैली को कनेक्ट करती है, उसके अंदर 9.5 mm जो थोड़ा सा बड़ा आप कह सकते हो यूरेटर के लिए स्टोन था जो वहां के अटक गया, तो उसके कारण इनको पेन आ रहा था। राइट साइड में पेन इसलिए नहीं आया कि वहां भी इनके पथरियां तो थी और राइट साइड में भी इनके किडनी में स्टोन 9.2 mm का बता रखा था जो उन्होंने सीटी करवाई थी उसमें, लेकिन फिर भी पेन नहीं था क्योंकि वो किडनी के अंदर था। तो इस तरह के सिम्टम्स के साथ हमारे पास आए, हमने आपको मेडिसिन दी और मैंने भी जब आए तो मेरे ब्लड टेस्ट करवाया कि इनका क्रिएटिनिन लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल था, यूरिक एसिड इनका हायर साइड पे था जिसके लिए थोड़ा सा डाइटरी हमने बताया कि आप डाइट के अंदर थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखें और हमने इनको मेडिसिंस दी थी, आप 2 बार 10-10 दिन की जो है मेडिसिंस लेके गए यहां से और उसके बाद आज आए हैं और आज जो है ये आए हैं जो हमने डिब्बी दी थी मेडिसिन की उसी के अंदर जो है ये किडनी स्टोन है वो निकाल के ले आए हैं 7 के अंदर ही, आज ये पथरी लेके आएंगे। सर मेरे ये जो स्टोन है ये आराम से जो है मेरे यूरिन के साथ निकल गया। आपका स्टोन निकला उस टाइम का कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपको कोई पेन हुआ, डिस्कम्फर्ट हुआ या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा आप स्टोन पास होते हुए? उस समय से मैं फ्लूइड इंटेक बहुत अच्छे से ले रहा था, पानी अच्छी मात्रा में पी रहा था, तो जब मैं टॉयलेट करने गया तो मैं जब यूज करता हूँ वो जो टी वाला छन्नी होता है चाय वाला छन्नी उसको यूज करता हूँ ताकि पता रहे, स्मूथली पता ही नहीं चला कब निकल गया टॉयलेट के फ्लो के साथ, रुकी भी नहीं। जनरली होता है कि जब स्टोन निकलना होता है तो पेशाब थोड़ी रुकती है, लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं हुआ, स्मूथली निकल गया जी।
तो आपने देखा कि अभी राम रतन जी ने बताया कि जो छलनी होती है उसके थ्रू ये यूरिन करते थे, क्योंकि इनका ऑलरेडी ऐसा स्टोन से काम पड़ा हुआ था, इनको पता था कि मेरा स्टोन जो है पास होगा। हमने इनको बताया था कि आपका जो यूरेटर का स्टोन है ये यूरिन के साथ पास आउट हो जाएगा, तो छलनी यूज कर रहे थे, कभी भी स्टोन पास आउट हो तो वो स्टोन जो है छलनी में रह जाए, और जैसा बताया बिल्कुल आराम से निकल गया। हालांकि कई बार कुछ लोगों को थोड़ा सा मैंने देखा कि यूरेटर के जब स्टोन पास आउट होते हैं तो हल्का सा एक रुकावट सी होती है और फिर एक फ्लो के साथ वापस स्टोन आ जाता है, बट आपका बिल्कुल आराम से पास हो गया। अभी जो है वापस इन्होंने एक सोनोग्राफी करवाई है, कल ही करवाया। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो यूरेटर का स्टोन था वो निकल गया है, यूरेटर में अभी कोई स्टोन नहीं बता रहा है, और जो हाइड्रोनेफ्रोसिस पहले बता रहा था अभी वो हाइड्रोनेफ्रोसिस भी नहीं बता रहा, यानी किडनी के अंदर जो रूटीन में रिस्क रहता है हाइड्रोनेफ्रोसिस का वो बिल्कुल भी नहीं है, और जो यूरेटर के स्टोन था वो निकल गया है, एज पर रिपोर्ट भी वो पास आउट हो गया और फिजिकली भी लेके आए। दूसरे कुछ स्टोन्स जो किडनी के अंदर थे वो भी थोड़े बड़े थे, 9.6 mm का स्टोन था, 9.2 mm का था लास्ट रिपोर्ट्स के अंदर, वो भी जो है अभी उनकी साइज भी हम देख रहे हैं कि छोटी साइज के अंदर हो गए। तो ये एक सक्सेस स्टोरी और एक कॉन्फिडेंस अभी मेरे पास वापस आए हैं फॉलोअप के लिए, आगे मेडिसिन के लिए, क्योंकि अभी दोनों किडनी में कुछ स्टोन है तो हम ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखेंगे। और हमारी बातचीत चल रही थी तो कि क्या ऐसा जो है और लोगों को भी मैसेज मिले कि बाकी लोगों को भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आप बिना सर्जरी जो है काफी अच्छे चांसेस हैं, आपको सर्जरी नहीं करवानी पड़े और आप ठीक हो सकें। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, यस, होम्योपैथी सेंटर पर मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। मैं भी यहाँ पर एक वीडियो देख कर ही आया था जिसमें मल्टीपल स्टोन थे एक पेशेंट को, जब ये सीटी करवाया था मैंने तब जब मल्टीपल स्टोन बता रहे थे और यूरेटर में जब स्टोन बता रहे थे तो मैंने डॉक्टर को चेकअप भी करवाया था जो मथुरदास माथुर हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, बट उन्होंने बोला आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी क्योंकि मेडिसिन से निकलेगी नहीं और किडनी स्टोन की साइज भी बढ़ी है, बट फिर भी मैं यहाँ आया एक बार के लिए और मुझे रिलीफ मिला है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं सोचा नहीं था, मुझे लगा था ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा और एग्जाम भी थे मेरे नज़दीक, फिर भी मैंने मेडिसिन ली इनसे और बहुत ही अच्छा रहा कि स्मूथली निकल गया और आगे का ट्रीटमेंट भी ले रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है, आई होप अच्छा ही होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं यही मैसेज देना चाहूंगा, अगर आपको भी किडनी स्टोन है, यूरेटर में स्टोन है, तो आप अपने नजदीक में एक बार होम्योपैथिक डॉक्टर जो भी है उनसे मिलकर प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, काफी अच्छे चांसेस हैं कि आपको भी सर्जरी नहीं करवानी पड़े और आपका स्टोन बिना सर्जरी के भी निकल सकता है। हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि अगर आपका स्टोन बहुत बड़ा है या मान लीजिए आपका ब्लड टेस्ट करवाया तो आपका क्रिएटिनिन लेवल जो है काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके कारण कई बार आपको सर्जरी भी जो है करवानी भी होती है। डिपेंड करता है केस टू केस कि हाँ कुछ केसेज ऐसे हैं जहां इमरजेंसी नहीं है, हम लोग मेडिसिन देते हैं निकल जाता है। कई बार बहुत से केसेज मेरी क्लिनिक पर भी आते हैं, मैं पेशेंट की कंडीशन भी देखता हूँ, कई बार स्टोन देखते हैं कि बहुत बड़े हैं, जैसे अभी कल परसों हमारे पास एक पेशेंट आए थे, उनका स्टोन था ऑलमोस्ट 30 mm का, और उनके साथ जब हमने RFT या आप KFT कहें जो मार्कर्स ब्लड टेस्ट करवाए तो उसके अंदर उनका क्रिएटिन लेवल भी बढ़ा हुआ था, तो हमने उनको इमिडिएटली बोला भाई आप जाके तुरंत सर्जरी करवाएं, आप मेडिसिन नहीं लें। तो इट डिपेंड्स केस टू केस, लेकिन हाँ ज्यादातर केसेस के अंदर होम्योपैथी से आप जो अगर किडनी स्टोन यूरेटर स्टोन है तो उनको बिना सर्जरी ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।